हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावा। राइट, रेगुलर एक्सप्रेशन न्यू चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली यूज होता है आपका वैलिडेशंस के लिए, जैसे मोबाइल वैलिडेशंस हुआ, ईमेल वैलिडेशंस हो गया, ठीक है। पैटर्न वैलिडेशन, जैसे कि आप कोई भी विंडो, जैसे कि आप बोल सकते हो कंट्रोल एफ आप दबाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दीपक लिखा, दिए दीपक मैच करता है कहाँ पे, ठीक है ना। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल हम थोड़ा समझते हैं डेफिनेशन, ठीक, देन प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन मैंने लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन, और शॉर्ट इसका फॉर्म होता है रिजेक्स, इज अ पावरफुल टूल फॉर पैटर्न मैचिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। क्लियर है पॉइंट। रेगुलर एक्सप्रेशन इज एन एपीआई, आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू डिफाइन अ पैटर्न फॉर सर्चिंग और मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स। क्लियर है, कोई पैटर्न है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, एक स्ट्रिंग के फॉर्म को मैच करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी, जैसे कि हम बात करते हैं कि ईमेल हमें कोई पासवर्ड हमें मैच क्रिएट करना है, तो पासवर्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक कोई नंबर लगाते हैं, कैरेक्टर लगाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर देते हैं, एट द रेट देते हैं, हैश देते हैं, मल्टीपल बेसिकली कैरेक्टर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है ना बेसिकली। तो ये पैटर्न, इस टाइप के जो पैटर्न बनाने के लिए यूज किया जाता है, इस पैटर्न को मैच करने के लिए हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पैटर्न क्लास यूज होता है। पैटर्न क्लास का क्या काम होता है, द पैटर्न क्लास रिप्रेजेंट्स अ कंपाइल्ड वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज टू डिफाइन अ पैटर्न फॉर रिजेक्ट्स, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी कैरेक्टर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, टू गेट द ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल इट्स स्टैटिक मैथड कंपाइल। क्लियर है पॉइंट। जैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है पैटर्न का, हमने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल पैटर्न बनाया इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल, ठीक है, ये वाले मेथड को। क्लियर है पॉइंट। ये देखो ये क्लास के नेम से कॉल होता है, तो ये क्या है आपका भाई, ये है आपका स्टैटिक मेथड। क्लियर है पॉइंट। देन मैचर इसमें यूज होता है। मैचर का क्या काम होता है, द मैचर क्लास इज यूज टू परफॉर्म मैच ऑपरेशंस ऑन अ स्ट्रिंग यूजिंग प्री कंपाइल्ड पैटर्न, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो मैचर क्या करते हैं, जो पैटर्न के अंदर हमने जो भी स्ट्रिंग पास किया है उसको मैच करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। टू गेट द ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल पैटर्न ऑब्जेक्ट मैचर मैथड। क्लियर है पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैचर, एंड मैचर का रेफरेंस वेरिएबल मैचर बना लिया इक्वल टू पैटर्न डॉट मैचर मेथड, ठीक है, ये देख। क्लियर है पॉइंट। चलो अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका फर्स्ट है मैचेज मेथड, ठीक है, बुलियन टाइप रिटर्न करता है। इट इज यूज टू टेस्ट वेदर द रेगुलर एक्सप्रेशन मैचेज द पैटर्न, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। दूसरा है आपका फाइंड, ये भी बुलियन टाइप के रिटर्न करता है। फाइंड क्या करता है, फाइंड्स द नेक्स्ट एक्सप्रेशन दैट मैचेज द पैटर्न एंड इट रिटर्न्स ट्रू इफ इट इज अवेलेबल, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। क्लियर पॉइंट। ये सब मेथड है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट मेथड, ठीक है, ये क्या करता है भाई, इट रिटर्न्स द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द मैच्ड सब सीक्वेंस, जो स्ट्रिंग के अंदर मैच किया उसका वो क्या करेगा भाई, उसका वो रिटर्न करेगा इंडेक्स, ठीक है। इंड मेथड क्या काम करता है भाई, इट रिटर्न्स द इंडिंग इंडेक्स ऑफ द मैच्ड सब सीक्वेंस। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है आपका ग्रुप मेथड, ग्रुप मेथड ये क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप की बेसिकली रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द मैचेस्ट मैच्ड सब सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस मैच किया वो कंप्लीटली रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। देन ग्रुप काउंट है एक मेथड, ठीक है, इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ द मैच्ड सब सीक्वेंस। क्लियर पॉइंट। डन, ये सारे मेथड्स हैं। अब यहाँ पे हमने नोट में एक पॉइंट लिखा है, देखो यहाँ पे पैटर्न एंड मैचर क्लासेस प्रेजेंट इन द जावा डॉट यूटिल डॉट रिजेक्ट पैकेज एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1.4 वर्जन ऑफ जावा, ठीक है। 1.4 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब इसका जो है कुछ कैरेक्टर क्लासेस हैं, जैसे कि ये कुछ देखो कोई भी पैटर्न होता है
तो आप मैच करोगे तो पैटर्न तो बताओगे ना क्या मैच करना है आप, ठीक है ना। तो इसके कुछ कैरेक्टर क्लासेस हैं, जैसे कि अगर जहाँ ए बी सी आप उसमें बेसिकली पैटर्न में बताते हो, इसका क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली दिस सब सिक्वेंस ऑफ 3 लेटर्स, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करेंगे। एंड देन अगर जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी बताते हो, तो एनी वन ऑफ द लेटर्स ए कोमा बी और सी, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और अगर जहाँ आप यहाँ पे आप बताते हो इस स्क्वायर ब्रैकेट और ये आप साइन बताते हो, इसका क्या मतलब होता है, एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट वन ऑफ द लेटर्स ए बी सी, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ए टू जेड, इसका मतलब होता है एनी लोअर केस अल्फाबेट सिंबल, कैपिटल ए टू जेड ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगा, तो एनी अपर केस अल्फाबेट सिंबल, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 to 9, एनी डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि कैरेक्टर क्लासेस कहलाता है, तो इसी को हम मैच करके देखें, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो एक चीज याद रखना, जो रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट है इसको यूज करते हैं हम लोग वैलिडेशन पर्पस के लिए, चाहे वो मोबाइल वैलिडेशन, मोबाइल के नंबर को वैलिडेट करना है, या ईमेल वैलिडेशन, या पासवर्ड वैलिडेशन, इस चीज के लिए यूज किया जाता है बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल का नेम दे दिया PETTRN, पैटर्न ही दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको करना है, मैं एक क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले, क्लास का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे डेमो या पैटर्न डेमो, ऐसा कुछ दे दिए, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यही देना है जो मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही देना है आपको क्लास का नेम, ठीक है। चलिए, अब इससे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है तभी ये वर्क करेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रिजेक्ट्स डॉट स्टार लगा दो, ठीक है, स्टार में सारे पैकेज आ जाएंगे, क्लियर है पॉइंट। चलिए, देन यहां पे आपको क्रिएट करना है क्या, मेन मेथड। अब देखो यहां पैटर्न क्लास का, पैटर्न हम यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पैटर्न डॉट कंपाइल मेथड, ठीक है। और यहां पे मैं कोई यहां पे स्ट्रिंग पास कर देता हूं, सपोज करो दीपक गुप्ता लिख दिया, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एंड देन इसको मैच करना है, तो मैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अभी जस्ट आपको बताए थे हमने, यहाँ पे देखो कि मैचर, ये देखो मेथड से पहले ये देखो मैचर, तो ये आपका सिंटैक्स होता है। और मैचर क्यों यूज करते हैं, द मैचर क्लास इज यूज टू परफॉर्म मैच ऑपरेशंस, मैच ऑपरेशंस के लिए, ठीक है ना, जो हमने इसमें दिया है उसको मैच करने के। तो चलो मैचर का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पे, एंड देन पैटर्न रेफरेंस वेरिएबल जो हमारा है पी पैटर्न डॉट मैचर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सपोज करो अभी सेम लिख देता हूँ, दीपक गुप्ता, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, अगर आपका जो मैचर है, मैचर डॉट मैचेस, फर्स्ट वाला मैच मेथड यूज कर लो, क्या था आपका, मैचेस मेथड था, है ना। चलिए, अगर जहां मैच करता है, मैं यहां पे क्या करता हूं, प्रिंट करा लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे लिख देता हूं पैटर्न मैच्ड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, क्लियर पॉइंट। एल्स, और यहां पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इस लाइन को कॉपी किया और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं मैं नॉट मैस्ट,
क्लियर है पॉइंट, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, चलिए अभी तो हम चेक करते हैं, अभी तो मैच कर रहा है, तो अभी आपका ये वाली रिटर्न होनी चाहिए, है ना? क्लियर है पॉइंट। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये इंटरव्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, याद रखना। और ये बेसिकली एप्लीकेशंस में बहुत यूज होता है मैचिंग के लिए, ठीक है ना? चाहे सर्वर पे ईमेल वैलिडेशंस में वैलिडेशंस हो, या आपका कोई भी पासवर्ड मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, पासवर्ड वैलिडेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए अब इसको हम पहले कंपाइल करके देखते हैं, मेरा जो है फोल्डर कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। तो सीडी डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, देन सीडी जावा, देन जावा सी, एंड फाइल का नेम है मेरा पैटर्न डॉट जावा। देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है पैटर्न डेमो, यही। चलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो पैटर्न मैच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर जहां मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैंने दीपक गुप्ता, हमने जी स्मॉल लिखा है, ठीक है, अब मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट नॉट मैच्ड, ठीक है, ये मैच नहीं किया। क्लियर एंड पॉइंट। तो इस टाइप के मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एंड देट एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर। अब यहां पे क्या करता हूं मैं, ये वाली चीजें यहां पे मैं यूज करूंगा। अब एक सेकंड, इसको हटा के अब यूज करूंगा स्क्वायर ए बी सी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखो मैंने अभी जस्ट लिखा था, देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, स्क्वायर ए बी सी, एनी वन ऑफ द लेटर्स ए बी और सी, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना, उसका हमें इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना है। क्लियर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा दूंगा। देन यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, फाइंड मेथड, मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना, फाइंड मेथड। क्लियर है पॉइंट। अब इस जगह पे ये चीजें हटा दो, और यहां पे मैं यूज करने वाला हूं इस जगह पे, यहां पे यूज करने वाला हूं मैं एक काम करता हूं, ये वाला जो स्ट्रिंग है ना यहां से हटा देता हूं, और इसको मैं एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें मैं स्ट्रिंग पास कर दिया दीपक गुप्ता, ऐसा कुछ, ठीक है, एंड देन ये वाला मैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया, यही मैच करना चाहता हूँ, तो अलग कर दिया मैं, इसमें भी पास कर सकते हो, ठीक है, मैंने अलग कर दिया। क्लियर है पॉइंट। एंड देन मुझे फाइंड करना है कि जो आपका स्ट्रिंग है फाइंड, तो मुझे इसका फाइंड करना है स्टार्टिंग इंडेक्स। चलिए देख लेते हैं, मैचर डॉट स्टार्ट प्लस, और उसके बाद मुझे चाहिए इसका एंडिंग इंडेक्स। चलिए मैचर डॉट एंड मेथड, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है भाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्वायर ए बी सी आप इसको डबल कोट के अंदर दोगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखो कंपाइल्स फाइन। अब देखो यहाँ पे देखो 4 5 11 12 ये प्रिंट कर रहा है, तो मुझे ना सिर्फ नंबर प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना, ये बेसिकली जहां जहां पे मैच कर रहा है वो प्रिंट कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका 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 इसका, तो स्टार्टिंग इंडेक्स ये बता रहा है, एंड देन एंडिंग इंडेक्स बता रहा है ना, मुझे चाहिए इसका, यहां पे लिख देता हूँ ग्रुप मेथड। चलिए अगर जहां ग्रुप मेथड यूज करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, लेट मी चेक। देखो यार जो ए है वो कहाँ मैच कर रहा है, फोर नंबर इंडेक्स पे, देन ए जो है आपका कहाँ मैच कर रहा है,
वो कर रहा है आपका यहाँ पे देखो इस नंबर इंडेक्स में, ठीक है। तो एक तो देखो यहाँ पे कहा A1 2 3 4, तो यहाँ पे भी ए मैच कर रहा है आपका। देखो स्टार्टिंग, देखो यहाँ काउंट करो, कैरेक्टर काउंट नहीं इंडेक्स नंबर काउंट करो, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, देन आपको यहाँ पे एक लास्ट में हो रहा है तो 11 पे एक हो रहा है, तो ये दोनों का इंडेक्स नंबर यहाँ पे देखो बता रहा है, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो मैचर, देखो मैच कर रहा है वो, क्लियर है ना, वो मैच कर रहा है तो रिटर्न कर रहा है। तो इस टाइप की बेसिकली एप्लीकेशंस क्रिएट किया जाता है, याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर जहां मुझे क्या करना है, यहाँ पे A to Z लिखना है, ठीक है, एंड देन प्लस लिख देता हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है भाई, A to Z प्लस, चलो देखो इस ये क्या रिटर्न करता है आपको, देखो ये रिटर्न किया एक नंबर से लेके, मतलब कि ये रिटर्न किया A to Z में जो भी कैरेक्टर मैच कर रहा है। D जो है आपका वो कैपिटल हो गया, तो कैपिटल अलग हो गया, स्मॉल हमने दिया A to Z, तो स्मॉल A to Z प्लस लिखा है मैंने, इसका मतलब इनमें से A से लेके Z तक में जो भी कैरेक्टर होगा वो सारा प्रिंट कर देगा। देखो इंडेक्स नंबर 1 पे ये मिला, फिर 7 पे आपका ये मिल गया सारा, ठीक है ना, ये तो ये आपको प्लस लिखने से ये फायदा होता है, ये सारा प्रिंट कर देगा जो भी A से लेके Z तक में कैरेक्टर मैच करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, अब यहाँ पे प्लस को हटा देता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो स्मॉल A to Z कैपिटल A to Z 0 to 9, 0 to 9 ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। अब मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, देखो देखो कंपाइल फाइन, अब ये बता दिया 0 नंबर पे डी है, क्यों, A to Z मैंने लिख दिया, देखो ए टू जो है स्मॉल भी कैपिटल भी और कोई नंबर है वो भी सारा मैंने लिख दिया इसमें, तो इसने सारा बता दिया कि इतने इतने नंबर पे ये कैरेक्टर है, क्लियर है पॉइंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सारा आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तभी समझ पाओगे। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर जहां मैं ये छोड़ के एक्सेप्ट, ये इसका मतलब हुआ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस, तो इसमें किस केस में क्या रिटर्न करेगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हुआ इनमें A to Z स्मॉल A to Z कैपिटल A to Z 0 to 9 ये सबको छोड़ के जो बाकी बसता है उसको प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो बाकी क्या स्पेस ही बच रहा है भाई, तो इस पे एक 6 नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए वो 6 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये है आपका बेसिकली पैटर्न को किस तरीके से मैच करना है, आई होप क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी ये क्लियर होगा। इसका यूजेज आपको कई बार बता चुके हैं हम, यूज होता है आपका कि ईमेल वैलिडेशंस के लिए, मोबाइल नंबर वैलिडेशंस के लिए, ठीक है, पैटर्न जो आपका विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हो फाइंड आउट करने के लिए, पैटर्न जो एप्लीकेशंस बनाते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके यूज करोगे आप एप्लीकेशंस बनाओगे वैलिडेशंस के लिए, विदाउट वैलिडेशंस कोई एप्लीकेशंस बनता ही नहीं है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आज हमने डिस्कस किया पैटर्न क्लास होता क्या है, ठीक है ना, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होता है, पैटर्न क्लास क्या होता है, मैचर क्लास क्या होता है, इसके मेथड्स हमने डिस्कस किया, एंड देन कैरेक्टर क्लासेस डिस्कस किया, एंड देन इसका एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल हमने कवर किया। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।